नागपुर महानगर पालिका की ओर से नए लाइसेंस नियम के विरोध में बुधवार को सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर आंदोलन किया है। आयुक्त तुकाराम मुंडे के नियमों का पालन करने वाले व्यापारी आज उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। लॉकडाउन के 3 महीनों के बाद भी बुधवार को फिर एक बार शहर के सभी बाजार सूने दिखाई दिए। इसकी वजह है मनपा की ओर से ला दिए गए नए लाइसेंस नियम। इस नियम के अनुसार सभी व्यापारियों को अब सभी विभाग से इजाजत लेनी होगी। इस नियम को पूरा व्यापारी संघ विरोध कर रहा है। व्यापारियों का कहना है कि सभी लोग गुमास्ता निकालते हैं, इसी में सभी शामिल होता है, साथ ही सभी व्यापारी जीएसटी में शामिल है, फिर ये नया नियम क्यों? उन्होंने कहा कि ये नियम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। उद्देश्य साफ है, जो नागपुर महानगर शासन प्रशासन ने जो व्यापारियों पे ये एक काला लाइसेंस लादा है, उसका नागपुर का हर व्यापारी, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि आज सारा बाजार बंद है, तो नागपुर का हर व्यापारी इससे प्रभावित है करके आज सारा व्यापार 3 महीने के लॉकडाउन और ऑड इवन के बावजूद भी आज पूरा बंद है। ये लाइसेंस का मसला ऐसा है कि इसमें कई प्रकार के प्रावधान है जो कि व्यापारी को मंजूर नहीं है। सबसे पहले इसमें इन्हें हेल्थ की एनओसी लेना, फायर डिपार्टमेंट की एनओसी लेना, फिर जोनिंग की एनओसी लेना, टाउन प्लानिंग की एनओसी लेना, बिल्डिंग के सेंक्शन प्लान्स लाना, ये सब चीज़ें भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हैं। और अभी व्यापारी भ्रष्टाचार बिल्कुल सहन नहीं करेगा। इसके पहले गोमास्ता का नियम था और हर व्यापारी गोमास्ता में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सब हर जगह रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी व्यापारियों का है। और आज हम 3 बजे माननीय संदीप जी जोशी से फिर से एक बार मिल रहे हैं, हम उनका स्टैंड जानना चाहते हैं। अगर वो व्यापारियों के साथ है तो ठीक है, और अगर वो व्यापारियों के साथ नहीं है तो कल हम सब व्यापार प्रदर्शन दोनों बाजू चालू रखकर और सबको बोलेंगे अपना अपना परिवार लाके उसके बाहर रखो, खड़े रहो और अपना विरोध दर्ज करो। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।